दिस इज सोनी फ्रॉम सोनीज कॉर्नर, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिना चाशनी और बिना मावा के दाल और दूध से बनाई गई बर्फी सीखने जा रहे हैं। ये एक कटोरी मूंग दाल को हमने रात को भिगोकर रख दिया था और सुबह अच्छे से इसको 3 से 4 पानी धो दिया। तो ये छन्नी की मदद से हमने पूरे पानी को निकाल दिया है और अभी इस दाल को हम ग्राइंड करेंगे और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसकी थोड़ा सा इसमें पानी डालना है जितना अच्छे से ये पिस जाए। तो चलिए अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधी दाल को मिक्सी के अंदर डाल दिया है, छोटे वाला हमने मिक्सी का जार लिया है और इसमें फाइन पेस्ट बनानी है इसकी और बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ पिस जाए। तो ये हमने पूरी दाल को महीन पीस लिया है, एकदम से फाइन पेस्ट बनानी है हमें। तो इसकी बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना देनी है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, हल्का सा पानी डालकर इसको हमें स्मूथ पीस लेना। तो अभी हमें एक कटोरी दाल के लिए 1 लीटर दूध की जरूरत होगी और ये हमने फुल फैट क्रीम का दूध लेना है। तो चलिए अभी हम इसे गरम करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध रख दिया है गरम होने के लिए। उबल जाने के बाद मीडियम आंच पर हम इसे रिड्यूस करेंगे। हमारा दूध भी उबल रहा है और जैसे जैसे ये उबलता जाएगा ये रिड्यूस होता जाएगा और इसके साथ साथ हमें ये आसपास जो भी मलाई है उसे इकट्ठे करते जाना है। ये हमने 5 बड़े चम्मच घी के ऐड किए हैं और गैस हमने ऑन नहीं की और इसके अंदर हम अभी दाल ऐड करेंगे। तो अभी हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। ये दाल ऐड करके हमें इसे बिना गैस जलाए इसको मिक्स कर लेना है क्योंकि अगर गैस अगर जलती होगी नीचे से तो हमारे दाल का जो मिक्सचर है उसमें बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं, इसलिए हमें पहले इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ही गैस को ऑन करना है। गैस को ऑन किया है हमने और हल्का सा सेक लगने के बाद हम इसे स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर हमें इसे पकाना है। अभी हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और हम गैस को स्लो कर रहे हैं और स्लो आंच पर हमें इसे पकाना है। धीरे धीरे करके इसे हमें लगातार हिलाते हुए पकाना है। ये देखिए हल्की सी हीट लगने के बाद इसमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े लम्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे जैसे पकेंगे ये डिसॉल्व होते जाएंगे। तो ये देखिए इसमें धीरे धीरे लम्स आ गए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे पकता जाएगा ये लम्स अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। हम बिना चाशनी के बिना मावा के दाल की बर्फी बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही अलग बर्फी हमारी तैयार होगी। ये हमारे स्पेचुला के साथ इस तरीके से रैप होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ये अपने आप पकती जाएगी और छोटा होती जाएगी। ये देखिए ये धीरे धीरे इसने कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी है और ये स्पैचुला के साथ एकदम से इकट्ठी हो गई है, लेकिन हमें इसे छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे इसी तरीके से हिलाते जाना है और जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ये सेपरेट होती जाएगी। तो ये देखिए अभी हमारी दाल थोड़ी छुट्टा हो गई है, लेकिन अभी इसमें थोड़े मोटे मोटे लम्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे ये एकदम से
छोटा हो जाएगी और एकदम से ये स्मूथ हो जाएगी। तो ये हमारे दाल के चंक्स और भी छोटे हो गए हैं और ये देखिए काफी हद तक ये छोटा हो गई है। और इसी तरीके से हमें इसे स्लो आंच पर पकाते रहना है। तो यहाँ पर हमारी दाल के मोटे मोटे चंक जो हैं वो एकदम से बिखर गए हैं और दाल हमारी बहुत स्मूथ हो गई है। अभी हम गैस को ऑफ करके इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको मिक्सी में अच्छे से घुमाएंगे ताकि जितने छोटे छोटे जो चंक्स रह गए हैं वो स्मूथ हो जाए। तो ये हमने दाल को फिर दोबारा से एक बार पीस लिया है तो ये एकदम से इवन हो जाएगी अगर हम पीसेंगे इसको। तो अभी हम इसे ऐसे ही सेक लेंगे क्योंकि इसके अंदर घी तो डला ही हुआ है। तो अभी हम इसे इसी तरीके से सेक लेंगे और इसमें घी और ऐड नहीं करना हमें। और ये हमारी दाल जो है वो स्मूथ हो गई है और ये अभी इवन पकेगी और इसे अच्छे से हमें 10 से 15 मिनट सेक लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो ये हमारा दूध आधा रह गया है। अभी इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। एक कप हमने चीनी ली है वो ऐड कर देनी है। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज्यादा या कम कर सकते हो, लेकिन एक कप अगर दाल है तो एक कप चीनी परफेक्ट है। तो चीनी के साथ साथ हमें दूध को पकाना है। एक पिंच हम हल्दी ऐड कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करनी, खाली कलर के लिए हमने इसमें हल्दी ऐड की है। सैफ्रन हो तो सैफ्रन के स्ट्रैंड आप कर सकते हो। सैफ्रन मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने हल्की सी हल्दी इसमें ऐड की है कलर के लिए। कलर नहीं डालना, और हल्की सी हल्दी अगर डाली हो तो उसका टेस्ट नहीं आता। दूसरी तरफ हमारा दूध भी काफी रिड्यूस हो गया है। इसके अंदर हमने चीनी डाली थी और दूध के अंदर ही हमारी चीनी की चाशनी बन जाएगी। अलग से चाशनी नहीं बनानी हमें। और जिस इस तरीके से बबल्स जब आने लगे तो उसका ये मतलब है कि हमारी चाशनी जो है वो तैयार है। अभी इसके अंदर हम आधा टीस्पून छोटी इलायची का डाल देंगे फ्लेवर के लिए। तो ये हमने केक टिन को तैयार कर लिया है ग्रीस करके और इसके अंदर हम बर्फी जमाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दूध में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो यही है इसकी निशानी कि हमारा दूध की चाशनी तैयार हो गई है। अभी हमने जो दाल भून कर रखी है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को दूध के अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और पॉकेट फ्रेंडली बर्फी हमारे घर पर तैयार हो जाती है दाल से। और तो ये देखिए इसने कढ़ाई छोड़ दी है और अभी इसको हम सेट कर लेंगे। ये हमने केक दिन में डाल दिया है, इसको अभी हम सेट कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स है और इसके हम स्प्रेड करके अच्छे से गार्निश कर देंगे। हल्का सा प्रेस करके इसको सेट करेंगे। तो ये हमारी बर्फी ठंडी हो गई है। अभी हम इसे काट के देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी बर्फी बनी है। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़ के बताती हूँ कितनी सॉफ्ट है ये। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत ही यमी और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है हमारी दाल की बर्फी। दाल और दूध से बनाई हुई बर्फी बनकर तैयार है
मुझे उम्मीद है आपको भी ये प्रोसेस पसंद आया होगा। बहुत ही टेस्टी बनी है, एकदम से यूनिक है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।